सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे और एक खूबसूरत महीना आ चुका है जहाँ सबको सहरी और अफ्तारी दोनों का इंतज़ार रहता है। गाइस, आज मैंने अफ्तारी के लिए जो है एक डिश आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि है चाइनीज़ पकौड़ा। गाइस, मैं आपको आज बताऊँगी कि कितना जल्द झटपट बन जाता है और सबसे आसान सी रेसिपी है अफ्तारी के लिए, आप बनाएंगे और इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ ये मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली चाइनीज़ पकौड़े की रेसिपी कैसे बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जितने वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं इनको मैंने काट लिया है, यानी कि चॉप कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। ओके गाइस, ये मैंने एक छोटा प्याज लिया है और इसको मैंने काट लिया है। साथ मैंने ली है बंद गोभी। गाइस, ये मैंने तकरीबन 1 कप के करीब ली है। शिमला मिर्च है मेरे पास, कोई भी कलर के आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ग्रीन शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने एक ली है, एक अदद। और इसी तरीके से मैंने एक अदद गाजर यूज़ किया और इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ओके गाइस, अब ये सारे जितने वेजिटेबल्स हैं वो मैं अलग से एक बाउल में डाल रही हूँ, यानी कि शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर और प्याज। ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो मैं एक बाउल में डाल दूँगी सबसे पहले। ओके गाइस, ये देखिए मेरे पास चिकन है। ठीक है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है ऑलरेडी और ये मेरे पास है 1/2 कप के करीब मैंने लिया है और इसको मैंने बॉईल करके इसके छोटे छोटे रेशे बना दिए हैं। अब इसको भी मैं उन वेजिटेबल्स के अंदर ऐड करूँगी इस तरीके से। ये मैंने जो अपना शटर्ड चिकन था वो मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, ओके गाइस, यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ बेसन। बेसन मैंने जो डाला है वो है मेरे पास 4 टेबलस्पून। ठीक है, भर के उसके बाद मेरे पास कॉर्नफ्लोर है वो भी मेरे पास जो है वो 4 टेबलस्पून के करीब है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब गाइस मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ 1/2 टीस्पून के करीब। ठीक है, यानी कि 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं, बेसन, बेकिंग सोडा और कॉर्नफ्लोर। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी अपने बाकी मसाले जार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर जो है सुर्ख मिर्च, भर के डाल दीजिएगा क्योंकि आज बन रहे हैं चाइनीज़ पकौड़े तो थोड़े से चटपटे अगर आपकी। अच्छा, वैसे ये मिर्च वगैरह मसाला बनाना ये सब आपकी मर्ज़ी है, जितना मर्ज़ी आप ऐड करें। ठीक है, उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, वो है 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, सब आपकी जो टेस्ट है उसके मुताबिक मसाले ऐड कर सकते हैं एज़ यू विश। ठीक है, उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच भर के जो है वो सूखा धनिया का पिसा हुआ। ठीक है, उसके बाद गाइस मैं इसके अंदर ओके बस इसके बाद लास्ट में मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 टीस्पून के करीब जो है वो चाट मसाला। गाइस, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो मत डालिएगा। ठीक है, ओके गाइस, अब मैं इन सारे मसालों को मिक्स करूँगी जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे, विद द हेल्प ऑफ वाटर, यानी कि पानी की मदद से मैं इन सब चीज़ों का मिक्सचर बनाऊंगी अच्छे तरीके से। तो चलिए गाइस, जब तक ये मिक्स करते हैं तब तक मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ, बताइए आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है, आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। और गाइस, अगर आप लोग रोज़े रख रहे हैं ये पाक महीना है, इसमें हमें भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें और हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने साए में रखे और हर किस्म की शैतानी शर से महफूज रखें। तो चलिए गाइस, इसके साथ बस आपने पानी को थोड़ा थोड़ा डालना है और मिक्स करते रहना है। देखिएगा हाथ पे जायका पानी डालिएगा अपने मिकदार के मुताबिक कि कितना पानी आपको चाहिए इसका जो मिक्सचर है वो बनाने के लिए। तो ठीक है, मैं इसका मिक्सचर बनाती हूँ और फिर मिलते हैं। तो गाइस, ये देखिए हमारा जो चाइनीज़ पकौड़े का जो मिक्सचर है वो हो चुका है तैयार। अब बस क्या करना है, अब बहुत सिंपल है, अब आपने एक पैन लेना है, उसमें ऑयल गर्म करना है, उसको झटपट फ्राई कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको फ्राई करना। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। मैंने ये ऑयल लिया है ऑलरेडी, मैंने इसको गर्म कर लिया है। डीप फ्राई करना है तो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा आप पैन में। ठीक है, मैंने जो है ये 2 कप्स के करीब जो है वो ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। इस तरीके से मैं ये हमारे जो पकौड़ा है चाइनीज पकौड़ा है वो डाल रही हूँ और फ्राई करूँगी इसको।
बस इस तरीके से इसको डाल देंगे और एक साइड इसके पकने देंगे अच्छे तरीके से और फिर इसको पलटाएंगे, ठीक है। सी गाइस, इसकी साइड मैंने पलट ली है और ये देखिए किस तरह से ये पक चुके हैं। बस इस तरीके से इसको पलटाएंगे और दूसरी साइड भी इसके तरीके से पकाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। वाओ गाइस, लुक सो डिलीशियस और बहुत मज़े का टेस्ट आया है। चलिए गाइस इसको निकालते हैं, ये देखिए वाओ। सी गाइस, है ना आसान बनाना चाइनीज पकौड़ा और झटपट बन जाएगा और ऐसी रेसिपी है जो हेल्पफुल भी है और रमज़ान में जो है पसंद भी आएगी सबको गाइस। तो ठीक है गाइस, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला ये महीना रहमतों बरकतों वाला हो हम सब के लिए और हमें हर किस्म की मुश्किल से बचाए और आने वाला दिन हमारे लिए मुबारक साबित करें। चलिए गाइस, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आऊँगी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे दिल में भर जे बोला तू नूर ईमान, मेरे दिल में भर जे बोला।